तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, गोल्ड के रेट में आपको इतना डिफरेंट देखने को क्यों मिलता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के एंड में आपको बताया था पिछली वीडियो में कि गोल्ड के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें ज़्यादा खर्चा लगने की वजह से आपको इतना डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप अगर चेक करोगे तो एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में गोल्ड का रेट 1000 से 1500 रुपये का डिफरेंट होता है। जैसे गुजरात में जो गोल्ड का रेट है, पंजाब में उससे 1500 रुपये ज़्यादा होता है गोल्ड का रेट, समझ लो। महाराष्ट्र में 500 रुपये का फर्क हो गया। अगर केरला के साथ कंपैरिजन करेंगे तो केरला में 1000-1500 रुपये गोल्ड का रेट कम होता है। साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि साउथ अफ्रीका की जो खदानें होती है, गोल्ड माइंस होती है, जैसे आपने KGF मूवी देखी होगी तो उसमें आपने गोल्ड माइन के बारे में सुना ही होगा और वो देखा भी होगा सब कैसे निकालते हैं, गोल्ड माइनिंग होती है। तो गोल्ड माइन में से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर उसे बहुत ही प्रोसेस से, अलग अलग प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। बाद में जो गोल्ड बचता है वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। हाँ, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, आप गल्फ कंट्रीज़ में भी बोल सकते हो, इंडिया में भी बोल सकते हो, सप्लाई होता है। हालांकि गल्फ कंट्रीज़ में, दुबई वगैरह में हमसे थोड़ा रेट कम होता है और हमारे यहाँ पर उनके कंपेरेटिवली रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब इंडिया में आता है तो कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं, कुछ एक्साइज ड्यूटी लगती है वगैरह वगैरह, सब मिलाकर इंडिया में गोल्ड आता है। फिर इंडिया में गोल्ड आने के बाद इंडिया के हर स्टेट में जब गोल्ड पहुंचता है, समझो, हालांकि कुछ लोग दो नंबर का काम भी करते हैं, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनलीगली कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो जो लीगली गवर्नमेंट के थ्रू गोल्ड आता है, वो गोल्ड हर स्टेट में पहुंचने के समय हर स्टेट का टैक्स रेशियो अलग अलग होता है, जिस वजह से आपको हर स्टेट में गोल्ड के रेट में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें। बहुत ही जल्द मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।